दोस्तों, मैं भावना एवाएन न्यूज से। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है गोल्डन गर्ल, टेबल टेनिस की गोल्डन गर्ल मनिका बत्रा। मनिका, बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मनिका, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपने टेबल टेनिस की शुरुआत कैसे की? मैंने शुरुआत जब मैं 4 साल की थी तब से मैं खेलना स्टार्ट किया है, और मेरी सिस्टर खेलती थी तो जब स्कूल में वो जाती थी खेलने तो मेरी मॉम मेरे को भी लेकर जाती थी, तो उसको देखते देखते मुझे इंटरेस्ट आने लग गया टेबल टेनिस में, तो मैंने भी रैकेट पकड़ के खेलना स्टार्ट कर दिया। मनिका, आप इतना अच्छा खेलती हैं, आप अभी भी आपने फाइनल्स में 0.1 से आई थिंक सामने वाले को हराया है, तो आप कैसे उसको अपनी गेम में कन्फ्यूज़ करती हैं, हम ये जानना चाहते हैं। अभी जो फाइनल था मेरा रीत रिशा के साथ, वो कभी कभी मेरे सेंटर में भी आती है खेलने, तो आई थिंक जो नेशनल प्लेयर्स होते हैं, सारे जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनको एक दूसरे की गेम पता है। एंड अभी जो फाइनल हुआ उसमें मैं 3-1 डाउन थी, तो जब स्टार्ट किया तब मेरे दिमाग में ये था दैट मुझे जीतना है, बट 3-1 डाउन जब मैं थी तब मेरे आया कि मुझे बस अपना गेम खेलना है, जीतने का नहीं सोचना और स्टे काम, बस अपना खेलते रहना। तो आई थिंक मेंटल जो होता है, मेंटली सब प्लेयर्स का, वो बहुत शांत होना चाहिए, हमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि जीतना है, तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए प्लेयर का। बिल्कुल, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कॉमनवेल्थ गेम 2018 में मनिका ने 4 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड भी शामिल हैं। मनिका, जब आपने गोल्ड मेडल हासिल किए उसके बाद आप मीडिया की सुर्खियों में आने लगी, टॉप ब्रांड आपको अप्रोच करने लग रहा है, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? आई थिंक ये हर प्लेयर, हर सेलिब्रिटी, हर किसी का होता है ये, अगर हम अच्छा खेलेंगे, अच्छा जीत के आएंगे तो मीडिया आएगा, और वो अच्छी बात है कि कवरेज ज़्यादा जितना होगा उतना स्पोर्ट अच्छा पॉपुलर होगा। तो आई थिंक कॉमनवेल्थ जीतने के बाद जो हिस्टोरिकल विन था फॉर मी एंड फॉर इंडिया, तो वो बहुत प्रेशियस था मेरे लिए, एंड वो किसी ने नहीं जीता था, तो आई थिंक उसके लिए मीडिया को आना ही था। एंड वो अच्छा हुआ कि टेबल टेनिस और पॉपुलर हो गया इंडिया में, आप लोग और जान रहे हैं और उनके बच्चे, लाइक पेरेंट्स उनके बच्चों को इस स्पोर्ट में भी डाल रहे हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा था कि मीडिया ने कवर किया। आपकी इतनी कड़ी मेहनत लगी है इसको आगे, इतनी सक्सेस पाने के लिए, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने आप को ही थैंक यू बोलूँगी कि मैंने अपने आप को कभी, लाइक मैंने ऐसे सोचा हमेशा कि नेवर गिव अप, अगर मैं हारी भी हूँ तो नेक्स्ट, क्योंकि आपके साथ साथ किसने और सेक्रीफाइसेस किए हैं? सैक्रीफाइसेस नहीं, बट सब ने साथ दिए हैं मेरे, लाइक स्पेशली माई पेरेंट्स, माई फैमिली, देन जो फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, अब इंडियन ऑयल जिससे मैं स्पॉन्सर जॉब है जहाँ पे, तो आई थिंक सब, अगर सबका ही सपोर्ट हो तो तभी प्लेयर ऊपर जा सकता है, अकेले आई डोंट थिंक ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। करेक्ट। 2020 के ओलंपिक्स के लिए आपने अपनी ट्रेनिंग में क्या ऐसा ऐड किया है जिससे आप को उसमें सहयोग मिले? आई थिंक मैंने ये पूरे साल में, अभी जो मैंने सेंटर चेंज किया है पुणे में, तो वहाँ का जो सेंटर है बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, डिसिप्लिन है सारे प्लेयर्स, लाइक सनिल शेट्टी ऑल्सो जो अभी फाइनल खेल रहे हैं वो भी वहीं खेलते हैं पुणे के, इंडिया खेलेगा सेंटर में, तो आई थिंक वहाँ का जो माहौल है बहुत डिसिप्लिन है, तो उससे और मोटिवेशन मिलती है कि और मेहनत करनी है, तो वो बस मैं मेहनत कर रही हूँ और करती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि क्वालिफाई ओलंपिक्स के लिए हो जाऊँ। टेबल टेनिस से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, लाइक नॉट टेबल टेनिस बट कोई भी स्पोर्ट में अगर कोई भी प्लेयर हो तो डिसिप्लिन बढ़ जाता है, लाइक टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, सब कुछ, और थोड़े टाइम बाद वो अच्छा भी लगने लगता है, आप भी फॉलो करके देखो, लाइक नॉट ओनली स्पोर्ट्स के लोगों को, जनरल लोगों को भी ये सब फॉलो करना चाहिए कि डिसिप्लिन ये सब होना चाहिए। मनिका, 2020 के ओलंपिक्स के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक सभी बोलते हैं मॉडल, तो मॉडल होती, और मेरे को टेनिस बहुत पसंद है, तो टेनिस। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, सॉरी। एंड ऑल्सो मैं जो सेंटर में वहाँ के प्लेयर्स हैं पुणे में, तो उनको भी थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि अभी जो इस टूर्नामेंट से पहले मैं वहीं ट्रेनिंग करके आई हूँ, तो वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने मेरे को बहुत
प्रैक्टिस दी है लाइक हियर ऑल्सो इफ़ यू हैव सीन की सन में पर आंस पे वहाँ के प्लेयर हैं सेंटर के मेन प्लेयर तो वो मेरे लिए आए हैं यहाँ पे तो आई थिंक एज अ स्पारिंग पार्टनर तो ये चीज़ हर प्लेयर के लिए बहुत हेल्प करती है कि कोई ना कोई होना चाहिए खेलने के लिए। मनिका आपको मॉडलिंग के भी ऑफर्स आए थे आपने जैसा कि बताया आप मॉडल होती तो आपने टेबल टेनिस को ही एज अ करियर क्यों चुना? देखो पहले टेबल टेनिस स्टार्ट कर दिया था मॉडलिंग के बाद में आए थे तो मैं टेबल टेनिस नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मेरी अब तब तक वो लाइफ बन चुकी थी कि मैं टेबल टेनिस को ही टॉप पे लेकर जाना चाहती हूँ इंडिया के लिए। मनिका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।